स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का पेज नंबर 30, चैप्टर नंबर 10, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस डिस्कस कर रहे थे हम। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बन जाना, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाना। प्रेसिपिटेशन जो है ये होती किस तरह से है, हैवी मेटल्स के साल्ट्स जो हैं उनके सॉल्यूशन के अंदर अगर बेसिस को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, जो रिजल्टिंग हाइड्रोक्साइड हमारे पास बनेंगे वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेंगे। जैसे कि केमिकल रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस 2NaOH, इसकी रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमारे पास आती है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनती है, कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, सल्फर के साथ चार ऑक्सीजन अटैच हैं, दो ऑक्सीजन जो हैं वो डबल बॉन्ड के ज़रिए से अटैच हैं और दो जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से अटैच हैं, और कॉपर जो है वो इन दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों को डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा 2NaOH हैं, उनको इस तरह से भी लिख सकते हैं NaOH। अब ये सॉल्यूशन के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इनकी आयनाइजेशन हो जाएगी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन और कॉपर के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी तरह से इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कॉपर जो है इस पर आ जाएगा 2+, मीन्स कि इसने दो इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दोनों ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर ये दो हाइड्रोक्सल आयंस जो हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है और कॉपर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये जो कॉपर है ये इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, इन दोनों हाइड्रोक्सल आयंस के साथ। इसी तरह से अब ये जो दो सोडियम है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स के इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इन पर है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये सोडियम जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये सोडियम जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास ये बनती CuOH ऑल ट्वाइस। सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारे पास आती है वो है Na2 और SO4, सोडियम सल्फेट। जब कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसके ब्लू प्रेसिपिटेट जो हैं वो बनेंगे, ब्लू PPT मीन्स के ब्लू प्रेसिपिटेट। इसी तरह से एक सेकेंड एग्जांपल दी गई है, जिंक क्लोराइड प्लस 2NaOH, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaCl। जिंक हाइड्रोक्साइड जो है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, इसका भी मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल सेम है। जिंक जो है ये इस तरह से दोनों क्लोरीन के साथ अटैच है, क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट, तो इसने जिंक के साथ बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, इसी तरह इस क्लोरीन ने भी, और रिएक्शन है इसका 2NaOH। आयनाइजेशन होगी सॉल्यूशन की फॉर्म में और इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब होगा ये कि दोनों क्लोरीन जो हैं ये जिंक के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, इन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जिंक जो है इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो इस पर आएगा +2 चार्ज। सेम प्रोसेस होगा, अब जिंक जो है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं ये दोनों इन पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, तो ये जिंक जो है ये इनके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो बनेगी ZnOH ऑल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसके हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट PPT। अब
जो सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो ये कि ये दोनों सोडियम जो है इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, और ये दोनों क्लोरीन है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। दोनों सोडियम जो है ये दोनों क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएंगे और सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगी 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से फर्दर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे कि आयरन ट्राइक्लोराइड पेज नंबर 30 प्लस 3NaOH इनका रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस 3NaCl और ये जो FeOH ऑल थ्राइस जो है ये आयरन हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो हमारे पास बनेंगे। फर्दर एक एग्जांपल है लेड ट्राइनाइट्रेट लेड डाइनाइट्रेट प्लस 2NaOH इनका आपस में रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaNO3 लेड हाइड्रोक्साइड जो है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे वाइट प्रेसिपिटेट सेम कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2NaOH आपस में रिएक्शन होगा इनका और प्रोडक्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaCl। मैकेनिज्म जो है वो इन सब का सेम है वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और लास्ट एग्जांपल है आयरन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट है आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। आयरन हाइड्रोक्साइड जो है इसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे हमारे पास वो हैं डर्टी ग्रीन कलर में। ये थी हमारे पास बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो है वो इनके यूजेस दिए गए हैं कुछ। फर्स्ट यूज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कि एक बेस है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप साबुन की प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। सेकेंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्टनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन और एसिडिटी जो है सॉइल के अंदर उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिड रेन की वजह से जो एसिडिटी काज होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन अल्कलीन बैटरीज। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कलीन बैटरीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। अब हमारे स्टमक के अंदर अगर HCl की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी काज होती है, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो अल्कली मेडिसिन यूज़ की जाती है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग्स मीन्स कि अगर कोई मक्खी काट ले तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंक्शर्स। फायर एक्सटिंक्शर्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। लास्ट वन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स कपड़ों से ग्रीस के जो दाग हैं उनको हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिस वाला टॉपिक जो है हमारे पास हो गए कंप्लीट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस बेसिस के।